यूट्यूबरों से परेशान सुपरस्टार पवन सिंह ने आखिर क्या कहा खेसारी लाल यादव से मिलकर, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। कुछ भाई लोग के जे केहू केहू यूट्यूब भी चलावता, हम तो ये सोचा था नहीं कि ये लोग के कब केकरा पर गर्व महसूस होके लगाता, कब केकरा चलते ये लोग के शर्म से नाक कट जाता। महान हो तुम लोग यार, क्या बोलूं, तुम लोगों के मुंह लगना और 10 किलोमीटर पैदल चलना वही बराबर है, लेकिन फिर भी लाइव भी ज्यादा देर के ना रहनी है, हम ज्यादा देर के नहीं थी सॉरी, लेकिन जाते जाते हम ये कहब कि आप लोग भाई हो, भाई ही रहोगे। जे जौने लाइन में बा, हम एक्टर बानी, सिंगर बानी, और भी हमार सब मित्र भाई लोग बा, लोग सबके आप लोग काम के आशीर्वाद दी जा, सब लोग मिलकर रहे, आप लोग भी यूट्यूब चलावा जा, अच्छा अच्छा बात बोल के नाम कमा जा, जी जी घर में चर्चा हो के ऐसा ऐसा न्यूज बने कि हाँ यार चलो हमारे भी इंडस्ट्री में क्या था और क्या है, क्या हो गया, सब कोई हंस खेल के रहे, मिलजुल के रहे। हाँ, कमी जरूर निकालिए, काम की कमी निकालिए, कोई भी अगर हम है या किसी से भी गाना हो या फिल्म हो, किसी भी गाने का वीडियो हो, भैया यहाँ सुधार की जरूरत है, भैया ऐसा नहीं होना चाहिए, बाबू ऐसा नहीं होना चाहिए, बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हम सब अपने काम में सब कलाकार मिल के ध्यान देंगे और सिर्फ विकास के लिए सोचेंगे ताकि हमारी इंडस्ट्री और बड़ी हो। महाराज भोजपुरी की जो औरा है, मुझे लगता है कि हिंदी के बाद भोजपुरी से बड़ा कैनवास कोनो लैंग्वेज के नहीं थे, लेकिन हमारी इंडस्ट्री जिस लेवल पे होना चाहिए उस लेवल पे नहीं है। क्यों नहीं है, बस यही मान लो कि काल झगड़ा होता एक दूसरे की, ओहू में दिक्कत, आज सबके एक दूसरे से प्रेम हो गई एहू में दिक्कत। रे महाराज, सबसे नहीं, सब दुनिया प्यार करता है तो हम आज यहाँ बैठ के इतना बोल पा रहे हैं। कुछ कुछ भाई लोग बढ़ जा बताओ, नीमन से रहो तब वो दिक्कत, बाउर से रहो तब वो दिक्कत, अरे पगला तो कहल का जाओ घर के छोट लड़का के अगर गोदी में बैठा के खिलाओ, अपने जंगा पे बैठा के, और लड़का अगर जांग पर पेशाब कर देवे तो क्या जांगवा काट के फेंक दिए ओकरा के साफ कर जाए, क्या तुम लोग बात करते हो यार। सब कोई मिलजुल के रहल जा, खूब बढ़िया से रहल जाओ, हम सब भाई मिल के रहेंगे। क्योंकि देखो, मैं बचपन में वो अपने बड़ भाई मित्र से, अपने बाप चाचा के मुंह से आदमी ये सुन ले बा, किसी का तबीयत ठीक नहीं था, वो हॉस्पिटलाइज था, वो इंसान थे सॉरी, उनको महसूस हुआ कि अब हम ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है, तो उन्होंने अपने परिवार के सदस्य से बोला कि चार रस्सी तोड़ के लाइए। चार सदस्य गए घर के और चारों रस्सी तोड़ के लाए, एक एक रस्सी सबके हाथ में दी और बोले कि इसको तोड़ो, एक एक रस्सी को एक एक इंसान ने मिल अलग अलग तोड़ा, फटफट टूट गया। फिर वही इंसान बोले कि इस चारों रस्सी को ना एक में जोड़ दो और चारों जन मिल के तोड़ो, चारों जन मिल के वो चारों रस्सी को तोड़ नहीं पाए। तो जाते जाते इस लाइफ में हम यही कहेंगे, अच्छाई बुराई देखिए हम पे भी लागू होता है और आप पे भी लागू होता है, और जिस इंसान से अगर गलती ना हुआ हो, गलती ही ना हो, तो फिर वो इंसान नहीं भगवान हो गया। तो गलतियां किसी से भी होती हैं, हो जाती हैं, हो जाएगी, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको गांठ बांध ले, माने हम तू तू हम तू तू हम, नहीं, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। झगड़ा करके कोई महान बनल बाज ले, प्रेम करके कोई महान बनता है,
आप सब भी और हम सब भी, हम सब मिलके प्रेम करें, मोहब्बत करें, प्रेम से रहें, अच्छे से रहें, खुश रहें, एक रहेंगे तो हम लोग मजबूत रहेंगे। किसी भी इंसान से अगर गलती हो और उस इंसान को सिर्फ और अपने सिर्फ अपने गलती की एहसास हो जाए, वही इंसान महान होता है। इस चीज का हर लोग ध्यान दे, वो चाहे हम हो चाहे आप हो। ठीक है, आज के हमारे लाइव इतने देर के रहा, ठीक है।